नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ सांसद से संवाद। इस कड़ी में आज हम उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन लाल मीणा जी के साथ हैं। एक सांसद के तौर पर किस तरह का उनका काम रहा ये जानेंगे संसद में और अपने क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद अनुराग जी। आप एक बड़े खूबसूरत शहर से आते हैं जी, और तीन बार आप मेंबर ऑफ एमएलए भी रहे हैं 2003 से भी। कैसे देखेंगे आपको, आपका मतलब पहले पारिवारिक थोड़ा बैकग्राउंड आप बताएं, कहाँ से आए हैं, जन्म कहाँ हुआ और राजनीति में आने कैसे रहा आपका? मेरा जन्म एक उदयपुर जिले में ऋषभदेव केसरिया जी, दो नाम है उसका, ऋषभदेव भी कहते हैं और केसरिया जी भी कहते हैं। केसरिया जी इसलिए कहते हैं कि जो आदिवासी का आस्था का केंद्र है, दिगंबर जैन मंदिर है वो, लेकिन आदिवासियों का आस्था का केंद्र है और वहां पर उस भगवान पे केसर चढ़ता है तो उसका नाम केसरिया जी हो गया। उस नगरी से उसके पास में ही 7 किलोमीटर मसारों की ओबरी जहां से ग्रीन मार्बल निकलता है उस गांव में मेरा जन्म हुआ था 1964 में। और मेरी पढ़ाई लिखाई 8वीं तक उसी गांव में हुई। उस समय जब मैं 78 में मैंने पास आउट 8वीं किया था तो गांव से ही पढ़ाई करके और मैं उदयपुर आ गया। उदयपुर मेरा जिला, उदयपुर जिले में ही केसरिया जी ऋषभदेव, अच्छा, वहां मेरा जन्म स्थान हुआ। और 8वीं क्लास पास करने के बाद मैं उदयपुर आ गया, जिला मुख्यालय पे जहाँ फतेह हार सेकेंडरी स्कूल है। उस जमाने में 10+2 नहीं था तो मैंने वहां से 11वीं पास की। 11वीं पास करने के बाद मैं बीकॉम करने के लिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था तो मैं भिलवाड़ा आ गया। भिलवाड़ा मेरे एक कजिन उस समय वहां कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर थे तो उनको थोड़ा सा, मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे, ज्यादा सर्विस नौकरी में नहीं थे तो इकोनॉमिक दृष्टि से माँ बुआ के लड़के के साथ रहने के हिसाब से मैं ग्रेजुएशन के लिए भिलवाड़ा चला गया। ग्रेजुएशन आफ्टर 92 में मेरी नौकरी, मैं RS राजस्थान के जो एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा सर्विस में जाना चाहता था मेरी, क्योंकि वो मेरे सेलटेक्स में थे तो माम बुआ के लड़के जब सेलटेक्स ऑफिसर था तो मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा तहसीलदार बने। अच्छा, तहसीलदार बहुत बड़ी गांव के और फिर किसान थे पिताजी तो उनको ये था कि मैंने प्रयास किया, मैंने कंपटीशन दिया, मेन में मेन एग्जाम में भी बैठा लेकिन दुर्भाग्य से मेन इंटरव्यू तक नहीं जा पाया। अच्छा, और 92 में मैं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में मेरा सिलेक्शन एज ए स्टेटिक कंप्यूटर संगणक, जो हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर, अंग्रेजी में ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग ऋषभदेव में ही हो गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऋषभदेव में, गांव में ही। तो मैं उस समय बीएड करके आया ही था, मैंने एमकॉम करने के बाद बीएड कर ली तो बीएड कर रहा था और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं, जब मैंने नौकरी 92 में शुरू की, 93 में मैंने मैरिज कर ली, मेरी वाइफ भी एमए बीएड है और ICDS में सुपरवाइजर थी तो शादी हो गई। शादी के बाद फिर कंपटीशन दोनों मिलकर तैयारी करेंगे लेकिन मेरा उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किसी भी सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेन पास कर लेते थे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते थे मेरिट में। उसमें एक कारण था सर, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो दक्षिणी राजस्थान में जो ट्राइबल है और उत्तरी राजस्थान में जो मीना है, मैं भी मीना लगाता हूँ लेकिन वो मीना ना हमारे मीना में रात दिन का फर्क है। हम लोग उदयपुर डिवीजन के जितने भी लोग ट्राइबल्स है, आदिवासी है, हमारा जो बैकग्राउंड है आर्थिक सामाजिक ये बहुत पुअर है उनके मुकाबले, उनके मुकाबले वो अंतर है, ये अंतर है। उनके पास जमीन की होल्डिंग अच्छी है, उनके पास इन्वायरमेंट अच्छा है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है और अच्छी जगह एजुकेशन प्राप्त करते हैं और कंपटीशन में, तो वो रिजर्वेशन का जो लाभ था वो हम लोगों को नहीं मिल पाया, उस कंपटीशन में हम बराबर फाइट नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो 2003 में जब मेरे मैं जब 92 में मेरी नौकरी में आया और
मैं फिर मेरी वाइफ के नाम से मैंने गैस एजेंसी ले ली 99 में सलूम्बर में उदयपुर जिले में। जब ओपन विज्ञप्ति निकली थी तो मैंने उनसे अप्लाई करा दिया। अप्लाई कराने के बाद सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन काफी लोग थे, 100-200 लोगों में वाइफ का सिलेक्शन होना। होने के बाद जब मैंने गैस एजेंसी प्रारंभ की, सलूम्बर वहां से 65-68 किलोमीटर दूर है केसरिया जी से, और उदयपुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर। एजेंसी भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी जब डीलरशिप मिल गई तो वहां जाने के बाद मैंने गैस एजेंसी में काम करना प्रारंभ किया। नौकरी मेरी वैसे चल रही थी पर वाइफ ने रिजाइनेशन दे दिया था। वो सर्विस में थे, आईसीडीएस में सुपरवाइजर। गैस एजेंसी लेने के बाद 2003 के चुनाव में मुझे वहां से आरएसएस ने और माननीय वसुंधरा राजे जो हमारे प्रदेश की अभी भी मुख्यमंत्री है उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दिया 2003 में। तो मैं क्या आपका जुड़ाव रहा था उनसे किस तरह से आरएसएस से या? मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था शुरू से, संघ में जाना आना, और मैंने प्रारंभिक शिक्षा का वो भी कर रखा है, आईटीसी पास कर रखी है मैंने। जी तो मैं बताना चाह रहा था सर कि ये जो हमारा राजनीति में आरक्षण का जो लाभ है, मैं जब पहली बार विधानसभा में जा गया राजस्थान की विधानसभा में, तो उस टाइम तक उस दक्षिण राजस्थान में मात्र 2 आरएस बने थे। 74 आरएस ऑल पूरे राजस्थान के ट्राइबल में से केवल 2 आरएस हमारे उस डिवीजन से थे। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा गैप था कि रिजर्वेशन का लाभ उस आदिवासी को नहीं मिलना। तो मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसका लाभ इस वास्तविक आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए उसमें कोई कानूनी प्रावधान या कुछ किया जाना चाहिए। तो हमारा भारत सरकार ने हमारा जो क्षेत्र उसको शेड्यूल 5 में फिर लिया गया। और शेड्यूल 5 का जो लाभ मिलना चाहिए तो वसुंधरा राजे को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्केल नंबर 1 से लेकर 9 तक जिसमें सब तहसीलदार वगैरह और जो इंस्पेक्टर के राज्य की जो प्रशासनिक सेवा को छोड़ के सबोर्डिनेट सर्विस के सभी सर्विसेज को उसमें ले लिया रिजर्वेशन में ले लिया। वो टीएसपी क्षेत्र को। तो तब से हमारे आज काफी हमारे आरएस में लड़के लोग उस जिले से, उस संभाग से राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में आए। 2003 से लेकर आप 2014 तक तो आप विधायक रहे हैं, उसके बाद 2014 का चुनाव जीता वो तो कैसे मानते हैं, क्योंकि एक लहर भी थी उस दौरान, तो और सांसद के तौर पर अभी तक अपना कार्यकाल कैसे देखते हैं? सर मैं जब क्योंकि मेरी 13 साल की सरकारी नौकरी छोड़ के मैं रिजाइन करके एमएलए बना, 5 साल का मेरा जो एमएलए का अनुभव था और उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में क्षेत्र में काफी काम कराया। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, मैं जो ये कह रहा हूँ, टीएसपी क्षेत्र में स्केल नंबर 1 से लेकर 9 तक का रिजर्वेशन देना आदिवासियों को, इधर के मीना को छोड़ के उधर के अलग साउथ राजस्थान जी जो 12% हमको पूरा रिजर्वेशन मिलता है उसमें से जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहाँ के जो युवा और वहाँ के किसान वर्ग ने इस बात को काफी अप्रिसिएट किया। और फिर मैं 2008 में 8 से लेकर 13-14 तक 13 तक हमारे उस विधानसभा मेरे को टिकट नहीं दिया, डिलिमिटेशन में किसी दूसरे को दिया, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं पाए थे, सरकार भी कांग्रेस की बनी थी राजस्थान में। अब 2013 में जब चुनाव हुए तब मुझे विधायक का चुनाव नहीं लड़वाया और मुझे लोकसभा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने और संगठन ने लड़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुराग जी की मैं जब से लोकसभा का सांसद बना हूँ मैं 2,37,000 वोटों से जीत के आए हैं। और हमारे जो 5 बार के एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे और राजनीतिक दृष्टि से काफी आदिवासियों में काफी अच्छा उनका नाम है, रघुवीर सिंह मीना को मैं हरा के आया हूँ। ये बड़ी बात है जी सर। और तब से हमारे जो उदयपुर देश में नहीं दुनिया में बहुत ही सुंदर, छोटा शहर है लेकिन बहुत सुंदर शहर है, सुंदर शहर है। सफाई के मामले में हमेशा जब कभी भी किसी भी सर्वे में आया है कि उदयपुर बहुत सुंदर शहर रहा है सफाई के मामले में, और है भी सही। राजा महाराजों के टाइम के हवेलियां, तालाब,
चारों तरफ जिले हैं, जिले हैं। बीच में शहर है, हाँ पहाड़ियां है, अरावली की पहाड़ियां है, तो सुंदर शहर है। मैंने जैसे ही, मैं क्योंकि चुनावी मुद्दा मेरा रहा था कि मैं जब एमपी बनूंगा तो जीतूंगा, तो मैं इस क्षेत्र के, हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उदयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए जो मीटर गेज की लाइन अभी तक चल रही है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट तब्दील करना, करवाऊंगा। तब्दील करना। और जबकि चूंकि स्वीकृत हो चुके था वो ब्रॉड गेज के लिए, जब किरण माहेश्वरी जी उदयपुर से सांसद थी, तो उन्होंने अपने टाइम में लालू जी से, जब रेल मंत्री जी, तो सेंक्शन करा लिया था। सेंक्शन करा रखा था, लेकिन बजट नहीं मिल रहा था। तो मैं जैसे आया, तब तक 3 साल में 109 करोड़ रुपये उस ब्रॉड गेज लाइन पे खर्चा हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल में, पहले साल में 350 करोड़ और अभी इस साल 16-17 का बजट में 750 करोड़ से ज्यादा बजट उस रेल लाइन परियोजना के लिए भारत सरकार ने दिया हमको। अभी बहुत तेज गति से काम चल रहा है, उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर का जो ब्रॉड गेज का काम है बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि 2018 मार्च के पहले ये उन्होंने काम पूरा हो काम जाएगा। पूरा हो जाएगा। तो ये जो दक्षिण राजस्थान में ज्यादातर हमारे उदयपुर मेवाड़ के लोग काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, जाते गुजारते हैं, हैं। तो उनके लिए जो बहुत बड़ा साधन ये रेलवे का उनको उपलब्ध हो जाएगा, और उनकी डिमांड भी बरसों से ये रही है कि हमको ब्रॉड गेज से जोड़ा जाए। तो दक्षिण के राज्यों से जुड़ने के लिए उत्तम जो रेल का साधन है उसमें हमको प्रगति, इस साल 750 करोड़, उससे पहले 350 करोड़, वो आपके प्रयासों के तरफ ये चलते हमारे रहे हैं। प्रयासों से, क्योंकि हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने जब गए गत वर्ष में जो रेल बजट में, उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी परियोजनाएं चल रही है हम उसको ही पूरा करने का हमारा टारगेट है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमको 750 करोड़ रुपये मिले हैं। और अभी अभी मैं उस पूरे क्षेत्र में दौरा करके भी आया हूँ, रेल के पुलियों का काम ब्रॉड गेज में, और काफी तीव्र गति से काम चल रहा है। और जब मंत्री जी से मिले, अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने कहा कि मार्च 2018 18 तक में हम इसको प्रारंभ कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि फिर यहां से उदयपुर से फिर अहमदाबाद जाने के लिए एक बड़ी ब्रॉडगेज लाइन शुरू हो जाए। इस नोट पे यहां पर ब्रेक, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक सांसद के तौर पर क्या कुछ उन्होंने देखा, जो महत्वपूर्ण डिबेट्स रही हैं उसमें किस तरह का हिस्सा लिया, और इस सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं अर्जुनलाल मीना जी से, उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये तो आपने अपना बैकग्राउंड बताया, किस तरह के आपने काम किया, सांसद के तौर पर यहां पर क्या कुछ जो महत्वपूर्ण देखा, अच्छी डिबेट्स, अच्छे बिल्स जो कि हुए हैं, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और जिसमें आपने हिस्सा लिया देखा? 2003 से 8 तक मैं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य रहा। सदस्य भी रहा, तो हाँ मुझे राजस्थान विधानसभा का एक छोटा सा कार्यकाल मुझे जब मिला तो मुझे थोड़ा बहुत उसका जो अनुभव अनुभव था। था, और जब मैं यहाँ पहली बार जब लोकसभा में आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को उन्होंने जब शपथ ली शपथ ली। उसमें मैं गया, और जब मैं हाउस में आया तो काफी रोमांचक और काफी एक तरह से ये समझो कि बहुत ही एक चार्ज महासमंदर का चार्ज चल, माहौल था जी पूरा। जी हाँ क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा में आना, और लोकसभा में पूरे देश के सांसदों के साथ बैठने का, और डिबेट में जब चर्चा, प्रश्नकाल, जीरो आवर्स और विभिन्न कार्य और प्रक्रिया के माध्यम से जब लोकसभा चलती है, तो निश्चित रूप से एक अलग तरह का अनुभव था। वहाँ हम लोग, वहाँ 377 नहीं होता है, वहाँ 295 होता है राजस्थान की विधानसभा में, विधानसभाओं में वहाँ जीरो आवर में, वहाँ पर्ची का होता है, पर्ची और जीरो आवर यहाँ लॉटरी से निकलता है, वहाँ भी पर्ची डलती है। तो लेकिन यहाँ जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सांसद और बहुत ही विद्वान सांसदों के बीच में जब वो डिबेट करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब एक दो बार मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मुझे पूछने का अवसर, एचआरडी मिनिस्टर जब श्रीमती स्मृति जी एचआरडी मिनिस्टर थे, तो मुझे उसका भी एक बार अवसर मिला। और मेरे क्षेत्र से जो ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उसको मैं प्रत्येक दिन में लगाता हूँ, तो मुझे बहुत ही
लोकसभा में जो डिबेट होती है बहुत उच्च स्तर की बहस होती है और बहुत कुछ सीखने को एक मिलता चीज, ये सत्र चूंकि बहुत आधा से ज्यादा तो चूंकि बर्बाद हुआ डिमोनेटाइजेशन पर, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक तो अपोजिशन की मांग थी, विपक्ष की मांग थी कि डिवीजन होना चाहिए, वो डिवीजन किस तहत, नियम के तहत हो, ये कैसे आपने देखा? क्योंकि सभी कह रहे चर्चा होना चाहिए लेकिन चर्चा हो ही नहीं रही थी। और विमुद्रीकरण का असर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह का देखा है? मैंने देखा कि ये जो 8 नवंबर को जो प्रधानमंत्री जी ने 1,000 और 500 रुपये के नोटबंद किए। नोट बदली का जो घोषणा की, मैं समझता हूँ कि गांव में बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। गांव में लोगों का ये, क्योंकि हम लोग भी चुनाव जब जीत के आए तो हम लोगों को ये कह के आए कि देश में कालाधन जो पड़ा है उसको हम समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार जो पूरे देश में जो एक बहुत बड़ी एक बीमारी के रूप में भ्रष्टाचार उभर के एक मुद्दा सामने आया था। क्योंकि आपने देखा 2G का मुद्दा हो या कोयला घोटाला का मुद्दा हो या कॉमनवेल्थ घोटाला का मुद्दा हो, ये जब कांग्रेस शासन में ये जब मुद्दे सामने आए सामने थे आए थे। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था, कि एक ने आदेश दिया था कि भी SIT का गठन करो, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन कैबिनेट में SIT का गठन करके देश को ये साबित करके ये दिखा दिया कि मैं कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ये मेरा एक मुद्दा रहेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 1,000 और 500 रुपये के नोट को बंदी का, और जनता में बहुत अच्छा मैसेज है, जनता बहुत खुश है। बस इतना सा है कि हम सब लोग लगे हुए हैं, पार्टी सरकार और सब लोग, मैं अपील भी आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि इसमें सब लोग इस मुहिम में शामिल हो। देश का साथ दे। ये देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और काले धन को और भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो सभी लोग को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोगों को जो समस्या आ रही है, भाई देव वो लाइन में खड़े रह रहे वही हैं। समस्या की बात करते हैं कि कुछ जी जगह समस्याएं हैं, अभी जी नोट नहीं है, छोटी मोटी लंबा समस्या है। है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले दिन ही कहा था कि मुझे 50 दिन चाहिए, तो निश्चित रूप से समय आएगा। चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे, मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में जब जब भी गया हूँ और 2,000 5,000 10,000 के लोगों के बीच में भी जाके मैंने लोगों से हाथ खड़े करके पूछा है, तो लोगों ने कहा हमें कोई समस्या नहीं है, नहीं, समस्या यही है कि हमको लाइन में खड़ा रहना है, हम खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन नोटबंदी से काफी अच्छा देश में भ्रष्टाचार मैसेज बहुत अच्छा है, देश हित के लिए ये अच्छा एक मुद्दा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं दोबारा आपसे पूछूं, चूंकि इतना बड़ा अच्छा शहर है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि पर्यटन स्थल माना जाता है, जी क्या ऐसे काम रहे हैं जो कि आपने अपने हाथ में लिए? और इस दौरान एक तो आपने बताया कि रेलवे लाइन को रेलवे आपने का किया, जी और ऐसी कौन सी चीजें जो कि आपके एजेंडे में हैं आपने? अनुराग जी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी हमारे 20 पहले में आ जो गया देश है। की 100 में से 20 पे, और उसमें 20 में भी हमारा नाम, हमारा 16वें नंबर पर उदयपुर का नाम आया, तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा शहर में काफी कुछ संभावनाएं भी हैं और पर्यटन की दृष्टि से अच्छा शहर है। तो मेरा उसमें रहेगा कि जिस तरह से मेरा मुद्दा भी था कि एक हवाई जहाज की सुविधा लोगों को मिले, तो काफी कुछ हमने प्राइवेट जो इंडिगो है, दूसरी जो एयरलाइंस है। एयरलाइंस है, उनसे बातचीत करके और उसकी सुविधा बढ़ाई। जो जयपुर राजधानी है हमारी, वहाँ की फ्लाइट नहीं थी, तो उस फ्लाइट को भी एक फ्लाइट चालू कराई। हमारी माननीय वसुंधरा राजे ने जो एक 7 सीटर एक एयरक्राफ्ट है उसको भी चालू किया है, पर डे रोज चलता है सुबह शाम, और दूसरी फ्लाइट भी चालू है। तो वायुयान यातायात की दृष्टि से डेस्टिनेशन होना है, और हमारी एक शादी का डेस्टिनेशन भी बन गया है, देश विदेश से लोग वहां शादी करने के लिए आते आते हैं, हैं आते हैं। तो काफी कुछ उसके यातायात की सुविधा, हवाई हो, रेल हो, सड़क वायु हो। हो, सड़क हो, इन सब दृष्टि से, क्योंकि हमारे वहां से नेशनल हाईवे नंबर 8 भी गुजरता है, 76 भी जाता है, तो उस दृष्टि से भी काफी कुछ अच्छा काफी काम हुआ। और अभी 850 करोड़ का एक बाईपास का जो एक मुद्दा था उसको भी माननीय गडकरी जी ने उसको स्वीकृति दी, उसका टेंडर भी लग गया है, बहुत ही जल्दी वो काम प्रारंभ होने वाला है। तो उसके अलावा एक हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था, जोधपुर जाना पड़ता था उदयपुर डिवीजन के उदयपुर लिए, से हाँ। तो बांसवाड़ा उदयपुर डिवीजन में बांसवाड़ा जो 160 किलोमीटर उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, और वहां से 80 किलोमीटर और दूरी
यानी कि 220 किलोमीटर उदयपुर से और जोधपुर से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर उनको पासपोर्ट बनाने के लिए जाना पड़ता था। मैं आपके माध्यम से, मैं माननीय हमारी जो विदेश मंत्री है सुषमा जी को बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को। उन्होंने 1 जून को, जब वो 1 साल पूरा हुआ था तब वो उदयपुर आई थी, तब उन्होंने घोषणा करी थी। वो काम हमारा पूरा हो गया है, पासपोर्ट केंद्र हमको मिल गया है, वहाँ ऑफिस का काम, कार्यालय का काम अभी चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जनवरी एंड नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संसद के तौर पर जैसे बड़ी बड़ी जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटना रही हैं, वो चाहे चर्चा के दौरान हो या बिल्स पास के दौरान, कौन सी ऐसी यादगार अभी तक हैं आपके हिसाब से? संसद के तौर पे पिछले 2 साल में एक तो मेरा जो जो ये अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी अभी चर्चा का मुझे मौका नहीं मिला है। हम चूंकि हम 282 भारतीय जनता पार्टी के सांसद सांसद है, हैं, हाँ तो हम एक जूनियर सांसद के रूप में हमारी, लेकिन हमारा, हम 0 आवर्स है, हमारा क्वेश्चन आवर्स है, या जिस प्रक्रिया और नियम के तहत हम अगर उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उसमें भाग लेके और हम उसमें डिबेट में भाग लेवे। वैसे तो वैसे विपक्ष के सांसद कभी कभी मजाक करते हैं कि जो मौका कांग्रेसियों को मिल जाता है वो बीजेपी के कई सांसदों को नहीं मिल पाता, क्योंकि तो नंबर ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री अगर खुद बैठे हैं, वित्त मंत्री हैं या वरिष्ठ जो मंत्री हैं, वो मौका ही नहीं देते हैं नए सांसदों को। हाँ, ये मौका क्यों, एक्चुअल में जो समय हम लोगों को, हमारी पार्टी को अलॉट होता है, तो हम संख्या में हम पूरे 282 से, तो निश्चित रूप से जूनियर सांसदों का मौका उसमें डिबेट में कम कम आता ही है, आता है। पर कसर तो रहती होगी ना कि आपको भी मौका मिलेगा हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, और हम जब भी मौका मिलेगा तो हमारी बात को, हम वैसे 0 0 आवर्स है, 377 है, और जो भी नियम और प्रक्रिया में जो है उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को हम लोकसभा में उठाए और रखे और उसका समस्या का समाधान करवाए। आखिर में अभी अपने बचे हुए समय में आप ऐसी क्या और चीजें आपने एजेंडे में शामिल की हुई हैं? राजस्थान का जिक्र आते है, एक तो आरक्षण की बात आती है जब कभी वहां पर उठ जाता है, या फिर ऐसे कौन सी चीजें जो कि आपने सोची हैं, जो कि आप आने वाले इन वर्षों में आप सोच रहे हैं? विशेष करके चूंकि हम लोग, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और पूरा संभागीय जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का है, उदयपुर डिवीजन में 6 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सैल्प और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उसमें लगभग 70% जनसंख्या ट्राइबल की है। ट्रैवल की है। तो हम चाहते हैं कि ट्राइबल की जो मूलभूत, जो उनको रोजगार का मामला है, उनको एजुकेशन का मामला है, उनका उस क्षेत्र में सड़कों का मामला है, डैम का, जो मूल गत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का, तो हम हमारा प्रयास रहेगा कि हम विभिन्न सड़कों के मामले में है, या हमारा जो एक बहुत बड़ा माही का डैम है उसका पानी हम जैसमन के, जो उदयपुर जिले में बहुत बड़ा डैम है, उसमें डलवा के, जो अभी पीने का पानी उदयपुर को सप्लाई करता है वो जैसमन से आता है, तो सिंचाई के लिए भी उसको हमेशा भरा रहे। चूंकि इस साल तो इंद्र देवता की मेहरबानी से बरसात अच्छी हुई है, तो सभी डैम हमारे भरे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा भरा रहे। उसका लिंकेट करने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका सर्वे करवाया है, DPR तैयार हो रही है और भारत सरकार को उसको भेजा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में माही का पानी जैसमन में रहे और जैसमन का पानी उदयपुर की सभी जिलों में रहे, ये हमारा व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या पसंद है, क्या चीजें करते हैं आप? खाली समय मिलता है तो क्या पढ़ना पसंद है, कहीं कुछ एक्टिविटी में पसंद है, वो व्यक्तिगत लोग भी जानना चाहेंगे एक सांसद के तौर पर। व्यक्तिगत तौर पे तो सर मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी लॉ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अच्छा, ये, अरे वाह, क्या बात है। और पढ़ाई मेरा बहुत शौक है। हाँ खेलना, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी भी रहा हूँ, मैं अच्छा, एथलेटिक्स कॉलेज में बेस्ट, जब ग्रेजुएशन में था तो कॉलेज का मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ, ओके, तो अभी भी सुबह शाम घूमना फिरना हाँ, खेलना ये सब चीजें मेरे लिए बहुत आवश्यक है और करता रहता तो हूँ। अच्छा सांसद के तौर पर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय निकाल लेते हैं आप हाँ, इतना? मैं निकाल लेता हूँ, अभी मैं सब किताबें लेके आया हूँ, जब टाइम मिलता है यहाँ पढ़ लेता हूँ, और बाकी किताब साथ रखता हूँ तो उसको पढ़ लेते हैं, और बाकी कुछ चीजें ऐसी है कि हमको पार्लियामेंट में सीखने को मिल जाती है, जो पार्लियामेंट का जो प्रक्रिया है, पूरी कानून प्रोसीडिंग्स है जो, जो। उसमें बहुत सारा हिस्सा तो उसका हमारे लॉ में है, एक पूरा लेसन है, एक पेपर ही उसी पे आता है, इंडियन पॉलिटिक्स का, तो काफी कुछ उससे सीखने को हमको
इससे मिल जाता है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हालांकि पूछना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप पहली बार सांसद बने हैं, तो प्रधानमंत्री के कामकाज को सरकार ने जिस क्षेत्र में काम किया है उसको कैसे देखेंगे आप? मैं अनुराग जी, मैं चूंकि मैं पहले 2003 से 8 तक हमारी यशस्वी मुखिया, वो भी एनर्जेटिक मुख्यमंत्री उस समय थी और अभी भी है माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और उससे बढ़कर हमको देश को प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं कि मैं समझता हूँ कि बहुत एनर्जेटिक 18-18 घंटे बैठ के काम करना, सबसे पहले पार्लियामेंट में आना और सबके सबके बाद जाना, ये उनका रूटीन का काम और काफी काम, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, उनके साथ काम करने का जो मुझे अवसर मिला है उसका लाभ मेरी गरीब जनता आदिवासियों को मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में और देश में सरकार बनेगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद आपको लगती है, क्योंकि राजस्थान में एक बार एक टर्न आता रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता है आमतौर पर, तो इसलिए लोगों को डर भी लगता है। नहीं वो है, लेकिन अब के इस पर जो परंपरा है वो परंपरा टूटेगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश में अपने यात्राएं कर रही है, अपना काम, अपना हर जिले में जाके जिले में समस्या का सरकार आपके द्वार उन्होंने एक योजना निकाली, वो स्वयं जाती है एमपी एमएलए को साथ में बिठा के जनता का, अभी उन्होंने शिविर लगाए गांव गांव में, सरकार के काम के शिविर गांव में जाके काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ। और मोदी जी को तो हराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है साहब, मोदी जी आने वाले समय में भी मोदी जी की सरकार रहेगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आपने क्या कुछ किया है। बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए हमसे बातचीत किया जी। धन्यवाद सर। तो ये थे अर्जुन लाल मीना जी, उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। जाना हमने उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम उन्होंने किए हैं, और एक सांसद के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी समय संसद में बिताया और समस्याओं को उठाया। सांसद संवाद इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।